आजकल जो माहौल है उसके हिसाब से आप हमारे मदी चलेंगे नाजरीन को क्या क्या मशवरे देंगे? आजकल बाबुल मदीना कराची में और पाकिस्तान में ज़्यादातर सर्दियों का सीज़न चल रहा है काफ़ी, और बहुत सारी जगहों के ऊपर तो अच्छे खासा माइनस में जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी उतार चढ़ाव टेम्परेचर के अंदर हमारे मुल्क में होता है शायद कहीं नहीं होता। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं और -10 पे भी चले जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो अंदरूनी निज़ाम है, उस टेम्परेचर की वजह से जो डिस्टर्बेंस आती है, उसकी वजह से हम बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। बैलेंस कैसे करें? अभी कुछ दिन पहले टेम्परेचर नॉर्मल था, अचानक से रिड्यूस हो गया, इसमें क्या करें? देखिए, इसमें ये होता है कि जब आपका बॉडी ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो बहुत सारी चीज़ें, खासकर सर्दी के सीज़न के अंदर जो 3-4 एलिमेंट हैं जैसे कॉपर है, जिंक है और मैग्नीशियम है, ये हमारे जिस्म के जूज होते हैं, कम हो जाते मिनरल्स और अमीनो एसिड्स टाइप की चीज़ें होती हैं, वो बनना कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी मुदाफ़त जो है वो कम हो जाए। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जैसे मौसम तब्दील होता है जी, तो उसका नोटिस हमें लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम अपनी रूटीन नहीं टेप करें, ना खाने पीने की, ना सोने जागने की, ना हम किसी चीज चेंज नहीं करते, चेंज नहीं होती है उसके। वो कपड़े चेंज करते हैं हम लोग, नहीं जी, वो सर्दी के कपड़े निकाल देते हैं हम लोग, वो भी उस सूरत में, वो भी पुराने निकाल दें जिसके अंदर स्मेल भरी हुई होती है ना अलमारियों में। जैसे अभी एक पेशेंट था, उनका उन्होंने पिछले सीजन के गर्म कपड़े निकाले होंगे तो बगैर धुले हुए उन्होंने पहने, तो वो मेरे पास जब आए थे तो उनकी पूरी बॉडी पे रैश थे। क्या था? पूरी बॉडी पे रैश, यानी दाग धब्बे पड़ चुके थे, क्योंकि पिछले सीजन के बंद थे। अब सीजन आया तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बगैर धुले। उसके कोई सी चीज लग गई होगी, एलर्जिक होगी। हाजरी चैनल के नाजरीन, आप जो भी स्वेटर या जैकेट या इनर या आउटर आप पहनते हैं, ख्वाह वो नीचे पहने पाँव को सर्दी से बचाने के लिए या ऊपर पहनते हो, तो जो भी दुनिया भर के जितने भी आशिकाने रसूल हैं, इन सब के लिए बड़ी खैरख्वाही वाली बात बताई है हमारे डॉक्टर साहब ने कि प्लीज़ आप अपने गर्म कपड़ों को जब भी अलमारी से निकाल रहे हैं, क्योंकि 8 महीने 9 महीने 1 साल तक ये चीज़ें उमूमन अलमारियों में हमारी वो रहती हैं, और वो हमारे बड़े बेदर्दी के साथ बाज़ों का हम रख देते हैं। बाद लोग तो इसको जाकर स्टोर में डाल देते हैं, एक बड़ी बड़ी जगह पर डम कर देते हैं, और जब सर्दी आएगी तो वो निकालेंगे और फिर वो पहनना शुरू कर देंगे। सो काइंडली इसको जब भी निकालें, इसको एक बार सही तौर पर धोकर ही पहनने की प्रैक्टिस पैदा करनी चाहिए।